फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया। दोस्तों हम आ गए हैं वीक 6 में। रिसेंटली मैंने दिल्ली में शिफ्ट किया है, मैं जोधपुर से दिल्ली आई हूँ। यहाँ के एटमॉस्फेयर में थोड़ा चेंज हो गया, थोड़ा पानी यहाँ का चेंज हो गया, इसलिए मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई है। बट हाँ, वीक 6 में मैंने पूरी कोशिश की है, मैं ऋतुजा दिवाकर की डाइट ही ले रही हूँ। पर उसी के साथ साथ डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया कि आप ग्लूकॉन-डी वाला वाटर पीजिए, उसी के साथ आप बहुत सारा फ्रूट्स खाइए, उसी के साथ आप जूस पीजिए। तो मैं ये तीन चीज़ें भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर रही हूँ ताकि मैं थोड़ी स्वस्थ रह सकूँ। उसी के साथ मेरे ऑफिस भी खुल गए हैं, तो मैं जो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि हम ऑफिस जाते हैं, हम ये डाइट कैसे फॉलो करें, तो मैं उनके लिए बहुत सारे एडवाइस लेके आई हूँ जो मैं पर्सनली फॉलो करती हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी जो ऑफिस जा रहे हैं और जिनको वेट लॉस करना है वो कैसे अपना वेट लॉस कर सकते हैं, वो ये वीडियो देखिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। उसी के अलावा दोस्तों, अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप जल्दी से मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिए। मैं सिंपल गढ़वाली गर्ल के नाम से हूँ इंस्टाग्राम में। अगर आप मुझे फाइंड करेंगे तो मैं आपको आसानी से मिल जाऊंगी। तो चलिए दोस्तों, वीक 6 देख लेते हैं जल्दी से। और ये वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट होगा, थोड़ी सी बिजी हूँ, थोड़ा सा हेल्थ भी साथ नहीं दे रही है मेरा, इसलिए वीडियो थोड़ा शॉर्ट होगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। पर आगे की जितनी भी वीडियो बनाऊंगी वो लॉन्ग होगी। और आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि आपको मिले मेरी वीडियो सबसे पहले। तो चलिए जो दोस्तों, जल्दी से हम हमारा वीक 6 देख लेते हैं। तो दोस्तों, हमारे दिन की शुरुआत होगी पानी से। तो यहाँ पे मैं लूक वार्म वाटर पीती हूँ। आप लूक वार्म वाटर की जो ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी पी सकते हैं, उसके 10 से 15 मिनट के बाद यहाँ पे मैंने एक बनाना खाया। आप कोई भी सीजनल फ्रूट खा सकते हैं, अगर आपके पास सीजनल फ्रूट ना हो तो आप नट्स भी खा सकते हैं। ब्रेकफास्ट का टाइम आ गया, ब्रेकफास्ट हमें 8 से 8:30 के बीच में कर ही लेना है। तो ब्रेकफास्ट में आज हमने बनाया है आलू का पराठा। दोस्तों आलू का पराठा मैंने देसी घी में बनाया था। ऋतुजा दिवाकर अपनी डाइट में देसी घी को लेने के लिए बहुत फोर्स करती हैं, और उसी के साथ आपको रिफाइंड ऑयल इस डाइट में छोड़ना पड़ेगा। उसी के साथ आप देसी घी या मस्टर्ड में बनी हुई चीज़ें खा सकते हैं। तो दोस्तों अब हम हमारा ब्रेकफास्ट एंजॉय कर लेते हैं। हर एक बाइट को 32 टाइम च्यू करेंगे, और अगर आप पहले 3 या 4 पराठे खाते हैं तो अब आपको मेंटल मील मैप से खाना पड़ेगा। इसका मतलब आपको अब अपनी डाइट में वो जो क्वांटिटी है उस पराठे की, उसको कम करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं एक पराठा ही खा रही हूँ। पराठे को मैंने अचार के साथ खाया था। आप पराठे को अचार के साथ खा सकते हैं, दही के साथ खा सकते हैं, चटनी के साथ खा सकते हैं, या चाय के साथ भी इसको इंजॉय कर सकते हैं। सुबह आपको उठते ही चाय नहीं लेनी है। तो अब हम हमारा पराठा इंजॉय कर लेते हैं। तो जैसा दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था, क्योंकि ऑफिस खुल चुके हैं तो अब मेरा लंच थोड़ा सा ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि मैं बाहर ही खाऊंगी लंच। कोशिश मेरी यही है कि मैं बाहर भी खाऊं तो मैं हेल्दी ही खाऊं। तो लंच हम 1:30 से 2:00 के बीच में खा लेंगे। तो दोस्तों लंच के लिए वैसे तो बहुत सारी वैरायटी थी, पर मैंने ये सोचा कि मैं ये खाती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा हेल्दी होता है। तो दोस्तों देख लेते हैं हमने लंच में क्या ऑर्डर किया है। तो दोस्तों लंच में मैं खाऊंगी डोसे। डोसे में बहुत कम ऑयल है और बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया है, इसलिए मैं ये इंजॉय कर लेती हूँ।
तो दोस्तों अब हम आ गए हैं इवनिंग स्नैक्स में। इवनिंग स्नैक्स हमें 5 से 5:30 के बीच में कर लेना है। इवनिंग स्नैक्स में आप लोटस सीड खा सकते हैं, आप पीनट्स खा सकते हैं, आप कोई भी फ्रूट खा सकते हैं, आप कोई भी सैंडविच खा सकते हैं, आप चाहें तो पोहा खा सकते हैं। आपको इस तरह का इवनिंग स्नैक्स लेना है। पर क्योंकि आज मैंने लंच में थोड़ा सा हैवी खा लिया था इसलिए मुझे भूख नहीं लग रही है, तो मैं इवनिंग स्नैक्स में आज ले रही हूँ जूस। ये लीची का जूस है, इसमें कोई एडेड शुगर नहीं है, कोई एडेड फ्लेवर नहीं है, सिंपली लीची का जूस है। और इस टाइम पे मैं जूस ले रही हूँ। आप चाहें तो आप कॉफ़ी ले सकते हैं या चाय ले सकते हो, ग्रीन टी ले सकते हो, टर्मरिक टी ले सकते हो, आप अपने मन के मुताबिक आप कोई भी बेवरेज इस टाइम पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये ले लिया। उसके बाद हम डायरेक्ट आ गए हैं डिनर में। डिनर हमें 7 से 7:30 के बीच में कर लेना है। अगर 8 o'clock बज जाए तब तक ठीक है, पर आपको 8:30 के बाद डिनर नहीं करना है। तो आज डिनर बहुत ही सिंपल है। हमने दाल बनाई है, ये मूंग दाल है, इसे हमने घी में बनाया है जिससे ये बहुत हेल्दी हो गई है। उसी के साथ मैं 3 से 2 चपाती खा रही हूँ और हर एक बाइट को आपको 32 टाइम चू करके ही खाना है। तो दोस्तों ये हमारा हो गया है डिनर। अब मैं आपको बताती हूँ कि संडे को हमने क्या किया। संडे को हमारी थी चीट डाइट। और दोस्तों मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ हमेशा अपने ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करती हूँ। जो भी मैं खाती हूँ मैं वही बताती हूँ, और अगर मेरे से कभी कभी चीट डाइट हो जाती है तो मैं उन सब की वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो दोस्तों चलिए देखते हैं संडे को मैं कहाँ गई थी और संडे को हमने क्या क्या खाया। तो दोस्तों संडे को हम गए थे हौस खास जो कि दिल्ली में है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या किया हमने वहाँ पर। चिली पटैटो के साथ ही मैंने वेज रोल भी ऑर्डर किया था, पर वेज रोल की पिक्चर मेरे से पता नहीं कहाँ डिलीट हो गई। तो हमने खाया था चिली पटैटो और उसी के साथ वेज रोल खाया था, दोनों ही बहुत ही टेस्टी था। थोड़ा चिली पटैटो मुझे अंडर कुक लगा, बट इट्स ओके।